हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्त लोग। उम्मीद करता हूँ सेफ होंगे और घर पर होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना दोस्तों, मैं अपनी बाल ऑयलिंग करके दिखाने वाला हूँ। रिजल्ट अच्छे से आपको गीले बालों में मैंने दिखाया है, धूप में रिजल्ट दिखाया है, पूरा रिजल्ट दिखाया है। अगर ये तीनों वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ देखो और बताओ कि वो वीडियोज कैसे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज मैं अच्छे से तेल लगाऊंगा, हेड वॉश करूंगा, आपको पूरी डिटेल्स दिखाऊंगा, अच्छे से आज ऑयलिंग करके दिखाऊं, क्योंकि आपके बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे। दोस्तों मैं जब भी आपको बोलता हूं कि आप मुझे 250-300 कमेंट कीजिए तो आपका कमेंट आता है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने इतना कमेंट किया, इतना सपोर्ट किया पिछले वीडियो को। तो दोस्तों आज मैं अच्छे से आपको शो करने वाला हूं पूरी ऑयलिंग करके, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो पहले मैं बिफोर ऑयलिंग एंड आफ्टर हेड वॉश ये दिखाऊंगा, तो चलिए। बताओ कि कैसा है भाई ऑयलिंग करने के बाद मेरा रिजल्ट कैसा है। धूप में आपने देखा, गीले बालों में आपने देखा, मेरा पूरा रिजल्ट देखा, आज ऑयलिंग करके भी मैंने दिखा दिया। भाई कैसा है आप ही बताओ, अच्छा है ना, बहुत जबरदस्त है ना। तो ऐसे रिजल्ट आप भी पा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे रिजल्ट आखिर मिलते कैसे हैं आप ये भी सोचेंगे, कहाँ होता है ट्रांसप्लांट। सो दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल पहले दे दूं कि पहले मैं कुछ इस तरीके से दिखता था, आप देख सकते हैं कि मैं पूरे गंजेपन का शिकार था। मुझे 2000 ग्राफ्ट लगे थे, 30,000 रुपए मैंने खर्चे किए थे, पूना महाराष्ट्र में जाके मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, और ये दिया हुआ क्लिनिक नंबर है, क्लिनिक में आप कॉल करो। जैसे मैं आपको बता दूं कि क्लिनिक में आपको सुविधाएं क्या क्या मिलती है, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं तो इस क्लिनिक में बहुत सारी चीज़ें आपको जो मिलती है वो अदर क्लिनिक में नहीं मिलती है। जैसे यहाँ आपको एक अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, एक अच्छे डॉक्टर की टीम मिलती है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट की टीम होती है, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट एक्सपीरियंस और बेस्ट रिजल्ट, जो कि इनका मोटिव है, इनका काम है। साथ ही साथ यहाँ डेंसिटी में ज़्यादा काम किया जाता है हेयर ट्रांसप्लांट पे। साथ ही साथ आपको मिलते हैं 15 रुपये पर ग्राफ के हिसाब से कॉस्टिंग, जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं आपको। रहना आपको फ्री मिलता है, खाना आपको फ्री मिलता है, और 5 डेज की मेडिसिन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट जो कि आपको दिया जाता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं।
भारत या भारत से बाहर कहीं पर भी रहते हो, आओ और फटाफट हेयर ट्रांसप्लांट करो। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बेस्ट क्लिनिक, बेस्ट ट्रांसप्लांट, बेस्ट रिजल्ट, इसकी गारंटी मैं सीना ठोक के देता हूं दोस्तों, क्योंकि यहां मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं भाई, तो मैं ऐसा रिजल्ट आप लोगों को क्यों ना दूं। आप जाइए फटाफट हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए, बिलीव कीजिए दोस्तों कि आपको ऐसा क्लिनिक पूरे इंडिया पे नहीं मिलेगा। आप दोस्तों कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दिया हुआ क्लिनिक नंबर है, कांटेक्ट कर लो, बात कर लो, अपनी सवालों का जवाब पा जाओ। आपको जो भी परेशानी होगी कॉल करो भाई कि मुझे ऐसा परेशानी है, ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम का आपको सलूशन देंगे। अगर आपको मुझसे बात करनी होगी तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया विद भूपेंद्र, और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, जिसमें आपको हर मंगलवार और शुक्रवार को मेरे वीडियोस मिलेंगे। अगर और जानकारी चाहिए तो जाइए मेरे चैनल पे, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कैसा होता है और यहाँ आपको रिजल्ट कैसे मिलते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे नहीं लगते हैं दोस्तों, मैंने कोई पीआरपी नहीं ली, कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई एक्स्ट्रा खर्चे नहीं किए, उसके बावजूद भी इतना अच्छा रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। बहुत खुश हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और मैं पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप जाओ और हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ। कोई भी दिक्कत होगी तो आपका भाई भूपेंद्र राजपूत बैठा है, मैं बात करूँगा आपके लिए कि अच्छी सर्जरी के लिए, आपके अच्छे ट्रांसप्लांट के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब, आप जैसा रिजल्ट चाहते थे वैसा आपको मिला होगा, मेरी बातें आपको क्लियर समझ में आएंगी कि भाई मैं ये क्या क्या बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी चीज़ें के लिए आप परेशान हो, तो आप मुझे कमेंट करो और ये वीडियो के बारे में ज़रूर बताना कि भाई ये वीडियो कैसा है, कि आपको अच्छा लगा कि नहीं, आपको बुरा लगा तो भी, अच्छा लगा तो भी, और आपको कोई जानकारी चाहिए होंगी तो भी, तो कमेंट ज़रूर करना। तो मिलूंगा दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक ध्यान रखिए, सेफ रहिए, घर पर रहिए। नमस्कार दोस्तों।